गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं छायावादी रूपी प्रसिद्ध कवि निराला के बारे में। ओके, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि निराला की काव्यगत विशेषताओं का के बारे में। ओके, चलिए देखते हैं। क्रांतिकारी तथा विद्रोही भावना वाले छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की योग्य हैं। निराला एकदम मस्तमौला स्वभाव वाले व्यक्ति थे। वे कभी एक स्थान पर नहीं रुके और हमेशा घूमते रहे और सूचनाओं को एकत्र करके कविताएं लिखते रहे। उनका अधिकतर समय कविताओं के तत्वों को घूम घूम कर जुटाने में ही खर्च होता था। वे जीवन में अपनी बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। जिस प्रकार जीवन में कठिनाइयां आने से व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, लेकिन निराला उस प्रकार के व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में आने वाले कठिनाइयों का डटकर सामना किया और रचनाधर्मिता के क्षेत्र में अपने आप को एक श्रेष्ठ कवि के रूप में वर्णन किया। कवि निराला की रचना आकर्षक तथा भावपूर्ण होने के कारण इन्हें छायावादी कवियों के चार स्तंभों में एक स्थान इन्हें भी मिला है। नोट, किसी कवि की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन हम दो रूपों में कर सकते हैं। पहला अनुभूति पक्ष, और अनुभूति पक्ष को ही भाव पक्ष कहा जाता है। दूसरा अभिव्यक्ति पक्ष, अभिव्यक्ति पक्ष को कला पक्ष के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग सबसे पहले निराला के अनुभूति पक्ष के बारे में जानेंगे। अनुभूति पक्ष, निराला की काव्य भावना जो है वह भाव पक्ष अनुभूति पक्ष की दृष्टि से अत्यंत प्रबल तथा सटीक है। निराला की रचनाओं में अधिकतर रमणीयता देखी जा सकती है। इनकी अनुभूति पक्ष को निम्न के माध्यम से देखेंगे। अनुभूति पक्ष को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। नंबर वन प्रेम का निरूपण, नंबर टू सौंदर्य भावना, नंबर तीन राष्ट्रीय भावना, नंबर चार मानवतावादी भावना, नंबर पाँच प्रकृति चित्रण, नंबर छः छायावादी भावना, नंबर सात प्रगतिशील चेतना। पहला देखें प्रेम का निरूपण। प्रेम का निरूपण, कविवर निराला एक बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी कविताओं में प्रेम का निरूपण अधिकांशतः देखा गया है। वे ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी कविताओं में प्रेम प्रेम के माध्यम से आने वाले पीढ़ियों को एक प्रकार का संदेश दिया है कि किसी प्रकार हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए। कविवर निराला ने स्त्री तथा पुरुष दोनों के प्रति समान प्रेम का को प्रदर्शित किया है। वे कहते हैं कि व्यक्ति को अभी सभी प्राणियों के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए। नोट, एक स्त्री के प्रति प्रेम की भावना का वर्णन करते हुए कवि निराला कहते हैं कि स्त्री अपने कर्म में लीन है और उसने मुझे एक बार देखा, वह शर्मा गई। इस प्रकार स्त्री के प्रति प्रेम की उदाहरण उनकी कविता वह तोड़ती पत्थर का उदाहरण निम्नलिखित है। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्नतार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। यदि निराला की बात करें तो वे भले ही अपनी कविता में कहीं पर स्त्री तथा पुरुष का वर्णन करते हैं, परंतु वे मौन प्रेमी थे और उसका यह एक उदाहरण इस प्रकार है। दिव्य देहधारी ही कूदते हैं इसमें, प्रिय पाते हैं प्रेमा मृत पीकर अमर होते हैं। चलिए कवि की सौंदर्य भावना के बारे में देख लेते हैं। यदि निराला की सौंदर्य भावना की बात करें तो वह उनकी सौंदर्य भावनाएं कई रूपों में मिलती हैं। जैसे जब किसी कविता में कवि निराला
किसी पुरुष के वीर्यं साहसी होने का वर्णन करते हैं तो वह पुरुष की सुंदरता होती है। कवि निराला सोचते थे कि किसी भी कविता में उसकी सौंदर्य भावना उतनी ही अच्छी होती है जितनी कि उस कविता के पात्रों की सुंदरता हो। निराला की कविता में यदि नारी के संदर्भ में बात करें तो नारी के प्रति सुंदरता की भावना पुरुषों के प्रति सुंदरता की भावना से कहीं अधिक है। निराला की कविता में सौंदर्य दो रूपों में देखा जाता है, जिसमें से पहला है स्थूल तथा दूसरा है सूक्ष्म। कवि निराला का मानना था कि सूक्ष्म सौंदर्य का वर्णन वहाँ पर करना चाहिए जहाँ पर छोटी सी कविता हो। नोट: नारी के प्रति प्रेम की सौंदर्य की भावना को प्रकट करने के लिए एक स्त्री के नेत्रों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि निराला कहते हैं कि हारे हैं सारे नेत्र नेत्रों को हेर फेर विश्वभर के मदोन्मत करने की मादकता भरी है विधाता ने इन्हीं दोनों नेत्रों में। चलिए कवि की मानवतावादी भावना के बारे में देखते हैं। जब हम कवि निराला की मानवतावादी भावनाओं के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मानवतावादी भावना निराला की कविताओं में बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं। निराला ने हमेशा मानवता का भला चाहा है। वे कभी यह नहीं सोचते थे कि मानवता को कोई कष्ट हो। वह हमेशा यही चाहते थे कि मनुष्य को अपने जीवन में जितना अच्छा कर्म करना उचित होगा उतना ही अच्छी वह फल प्राप्त करेगा। इससे उसकी मानवता में बहुत अंतर आएगा और यह अंतर ही मानवता को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। निराला के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को मानवता के प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए। यदि उसे कभी किसी से द्वेषपूर्ण भावना नहीं रखनी चाहिए क्योंकि यह सभी लोग जानते हैं कि द्वेषपूर्ण भावनाएं मनुष्य को दिनों दिन कमजोर बनाती हैं और वह व्यक्ति हमेशा कमजोर होता जाता है। कुछ प्रकार की स्त्रियों की भावनाएं उतनी ही अच्छी पुरुषों के प्रति नहीं होती जितनी की होनी चाहिए। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कवि निराला की मानवतावादी भावना बहुत ही अच्छी है। यह जीवन में मानवता को बढ़ाने में मदद करती है। छायावादी भावना: जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कवि निराला छायावादियों के कवि हैं और उनकी छायावादी भावना बहुत ही अच्छी ढंग से हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। यह एक प्रचलित जानकारी है कि निराला को छायावाद के चार स्तंभों में एक स्थान मिला। कवि निराला की छायावादी रचनाएं इतनी आकर्षक हैं कि यदि उन्हें किसी अन्य यूरोपीय रचना से तुलना करें तो वह शायद ही उनके समान होगी। छायावाद के अनेक कवियों जैसे सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद ने अपनी अपनी रचनाएं लिखी, लेकिन निराला की रचनाओं में और उनकी रचनाओं में अनेक विभिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। छायावादी कविताओं में निराला ने अपनी कविता का वर्णन करते समय अपने छंद, अपने अलंकार आदि के बारे में अपने विचार से प्रस्तुत करके उन्हें अच्छा बनाने का प्रयास किया है। कवि निराला कहते हैं कि जब छंद मुक्त की बात करें तो यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को रचनाओं का वर्णन करते समय कविताएं बिना छंद की ही हैं, बल्कि वह छंद की परंपरा में रहते ही इसके बाद हम लोग निराला की रहस्यवादी भावना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। जब हम कवि निराला की रहस्यवादी भावना के बारे में बात करते हैं तो हम पाते हैं कि कवि निराला की रहस्यवादी भावना अत्यंत ही रहस्यमयी है, जिसे दूसरे लोगों को पहचानने में समस्या होती है। निराला का स्पष्ट विचार था कि इस कविता में रहस्यमयता का प्रयोग जितने ही अच्छे ढंग से किया जाएगा वह उतना ही अच्छा होगा। इस प्रकार निराला की सर्वत्र कविताओं में रहस्यमयता का प्रयोग दिखाई देता है। निराला जी के अनुसार रहस्यमयता से कविताओं में छिपी हुई जानकारियाँ हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलती हैं।
और वे जानकारियाँ इस प्रकार होनी चाहिए कि उसमें कोई गलत बात ना हो। गलत बातों में जैसे किसी निर्दोष के प्रति दोषपूर्ण भावना, किसी साधारण व्यक्ति को असाधारण दिखाना, किसी व्यक्ति का अपमान करना इत्यादि शामिल हो सकते हैं। निराला इतने अच्छे ढंग से रहस्यमय कविताएँ लिखते हैं थे कि उनको देखकर अन्य कवि भी दंग रह जाते थे। निराला जी ने कभी भी अपनी समस्याओं से डटकर नहीं भागा, बल्कि उसका डटकर सामना किया। वे कहते थे कि संघर्ष ही मनुष्य का जीवन है, फिर उसे किसी भी बात से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समस्याओं का सामना डटकर करना चाहिए। क्योंकि जब हम समस्याओं का डटकर सामना करते हैं, तभी जाकर हमारे जीवन में प्रसन्नताएँ आ पाती हैं और हम अपने जीवन का असली सुख उठा पाते हैं। तब निराला कहते हैं कि जब तक व्यक्ति मेहनत करके स्वयं के लिए कुछ कर नहीं पाता, तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता। हालांकि इस पर कई कवियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। चलिए कवि की निराशावादी भावना का एक उदाहरण देख लेते हैं। मेरा अंतर ब्रज कठोर, देना जी भरकर झकझोर, मेरे जीवन का गहन अधतम, निश कभी ना हो घोर, क्या होगी इतनी उज्ज्वलता, क्या वंदन अभिनंदन, जीवन चिरकालिक क्रंदन। तो निराशावादी भावना के बाद हम लोग कवि के प्रगतिवादी भावना को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। कवि निराला प्रगतिवादी चेतना के कवि हैं। उनकी कविताओं में शोषितों के प्रति सर्वत्र घृणा की भावना रहती है। वह कहते हैं कि जो समाज सबसे ज़्यादा पीड़ा उठा रहा है, उसे सर्वहारा कहा जाता है। सर्वहारा वर्ग को सभी लोग परेशान करते हैं, परंतु सर्वहारा समाज का कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है। कवि निराला ने अपनी कविताओं के माध्यम से मूल गरीबों, भूखों आदि से पीड़ित व्यक्तियों के बारे में लिखा है। उनकी कविताएं हमें गरीबों को परेशान करने वाले अर्थात अमीरों से सावधान रहने को कहती हैं। एक गरीब भिखारी व्यक्ति का चित्रण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी कविता बेछोप में करते हैं। उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों हैं मिलकर एक। यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ थोड़ा सा एक लाइन मिस्टेक हो गया है, मैं उसको जिसमें सही कर देता हूँ। ये जो है दो टूक कलेजे के करता पछताता, इसके बाद रहेगा पथ पर आता, पथ पर आता। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों हैं मिलकर एक। चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। इसके बाद हम लोग कवि के प्रकृति चित्रण के बारे में जानते हैं जानेंगे। चलिए देखते हैं। कवि निराला प्रकृति का चित्रण करने वाले एक श्रेष्ठ कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने प्रकृति के संबंध में कई कविताएं लिखी हैं। इन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम था। ये समझते थे कि प्रकृति में पड़े पेड़ पौधे, चिड़ियों का चहचहाना इत्यादि का वर्णन अपनी कविताओं में शामिल किया जाना चाहिए। ये कहीं प्रातःकालीन के दृश्य का वर्णन करते हैं, तो कहीं पर अर्धरात्रि का वर्णन करते हैं। ये कभी कभी दोपहर के समय वह तोड़ती पत्थर नामक कविता लिखते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कवि निराला प्रकृति के चित्रण का वर्णन करते हैं। समय कभी दिन, दोपहर, रात्रि इत्यादि का वर्णन करते हैं। कवि निराला के अनुसार कवि को प्रकृति के बारे में कविता लिखते समय यह बात जान लेनी चाहिए कि प्रकृति में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि तभी व्यक्ति प्रकृति के बारे में सही रूप से जानकर ही उस रचना का वर्णन कर पाएगा।
कवि निराला अपनी एक कविता में हरिद्रात्रि में प्रतिक्रिया का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसका उदाहरण कवि को प्रकृति के बारे में कविता लिखते समय यह बात जान लेनी चाहिए कि प्रकृति के में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। कवि क्योंकि तभी व्यक्ति प्रकृति के बारे में सही रूप से जानकर ही उस रचना का वर्णन कर पाएगा। कवि निराला अपनी एक कविता में अर्धरात्रि में प्रतिक्रिया का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अर्धरात्रि की निश्चलता से हो जाती जग लीन, कवि का बढ़ जाता है अनुराग, विरह कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक बिहाग। तो प्रिय दोस्तों, इसी के साथ कवि के निराला का एक पक्ष जो अनुभूति पक्ष था वह समाप्त हुआ और उसके अभिव्यक्ति पक्ष अर्थात कला पक्ष के बारे में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके।